मैं हूँ शिराज जैदी, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल 110 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन के इलाके टूटिंग गॉबवे पर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त निराला स्वीट है, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये जो व्लॉग है मैं इस वक्त कर रहा हूँ रमज़ान स्पेशल के सिलसिले में। और अभी हम लोग चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इन लोगों ने कौन कौन से मज़ेदार चीज़ें बताई हैं इफ्तार के लिए। अगर अभी हम मिलते हैं एक मिनट के बाद। स्वीट्स में मौजूद हूँ, ये इस वक्त लंदन के इलाके टूटिंग ब्रॉडवे में वाक़ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मिठाइयाँ और मुख्तलिफ़ रंगों की मुख्तलिफ़ मज़ेदार गुलाब जामुन है। और ना सिर्फ गुलाब जामुन बल्कि यहाँ पर ये कुछ हलवे भी रखे हुए हैं कलाकंद। लंदन में काफ़ी बड़ा नाम है और कहा जाता है कि कोई फ्रेंचाइज नहीं है, बल्कि ये अपनी फ्रेंचाइज किसी को देते भी नहीं है, उसकी इनकी कुछ अपनी पर्सनल वजूहत होंगी। हमारा आप कैसे हैं? ठीक है आप? बिल्कुल। तो आप बताइए इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अच्छी मिठाइयाँ लेने आए। अभी आप लोग नमक पारे ले रहे हैं, तो यूजली आप लोग निराला से शॉपिंग करते हैं? क्या वजह है इसकी कि आप निराला में हमेशा आते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके दोस्त की शॉप थी। तो आप इसी करीबी कहीं रिहायश पजीर हैं? आप कहीं करीबी कहीं रिहायश पजीर हैं? अच्छा, बहुत दूर से आते हैं, किंगस्टन से आते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको वाकई ये इनकी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, जब भी आप लोग इतना दूर से सफर करके आते हैं किंगस्टन, क्योंकि यहाँ से काफी दूर है। आपको पता नहीं, हम आपकी बड़ी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। अरे अरे, सामने खड़ा हूँ और आप लोग देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आज संडे का दिन है और रश का आलम आप देखें कि लोग जो हैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, तो उससे पहले काफ़ी लोग जो हैं वो उस वक्त क्यू में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ मिठाइयाँ मिलती हैं बल्कि गरम गरम समोसे, चिकन पेटीज़ और पकौड़े, जलेबी, इनके खास सहरी का भी इंतज़ाम है यहाँ पर। आप ये देखें, ये गालिबन इसको हम फेनी कहते हैं, फेनी। ज़बरदस्त, थोड़ा रश कम होता है तो मैं भी आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ इंशाल्लाह। आइडियल स्वीट के बिल्कुल बाहर का सेक्शन है ये, यहाँ पर जलेबियाँ तैयार होती है गर्मा गर्म, आप देख सकते हैं। और ये जो आपका नाम सर बताएंगे मुझे आप प्लीज़? मेरा नाम तारक। ये तारिक साहब जो है भी बिल्कुल जलेबियाँ लगाने वाले हैं और तेल जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। और हम आपको दिखाएँगे कि बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से हम पाकिस्तान में जलेबियाँ खाते हैं। बहरहाल, और ये देखें गर्मा गर्म जलेबी सब तैयार हो रही है बहुत ही खूबसूरती के साथ, इसको लगाया जा रहा है। तो तारिक साहब, तकरीबन कितनी देर के लिए खुलता है ये जलेबियों के लिए रमज़ान में खासतौर पर? ये 1 बजे खुलता है और 7 बजे, 7:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 1 बजे खुल जाता है ये? हाँ जी। और 7:30 बजे इफ्तार से थोड़ा पहले ये बंद हो जाता है, जारी बात है आप लोगों सबको नमाज अब ये सब रोज़ा खुलना होता होगा। अच्छा, इस वजह से। अच्छा, माशाल्लाह से तो ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस वक्त। वाह वाह, तो उसके बाद इसको शीरे में डाला जाएगा, यही इसका तरीका है। बिल्कुल, उसके बाद ये बिल्कुल मीठी। तो आप ये बताइए मुझे कि इसमें सिर्फ हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी यहाँ से शॉपिंग करते हैं या बल्कि हमारे ये यहाँ की जो गोरे भी हैं, वो जो ब्रिटिश लोग हैं जो यहाँ पर, वो भी खाते हैं? वो लोग भी खाते हैं, शौक से खाते हैं वो लोग और लेके जाते हैं आपसे। ज़बरदस्त, तो ये भी एक बड़ी बात है कि वो उस तरह की मिठाई, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की मिठाई है, मिठाई जिसे कह लें जलेबी है जी, और इसको यकीनन वो लोग पसंद करते होंगे। हाँ, ये बड़े शौक से खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। क्या बना रही है?
ज़बरदस्त समोसा चाट, तो इसके अंदर अभी आप क्या मुख्तलिफ चटनियाँ डाल रही हैं। और आप देख सकते हैं ये अभी दुकान जो है उसके तकरीबन आइडियल स्वीट के बिल्कुल बराबर में, और इस वक्त हमारी जो सिस्टर हैं इसे समोसा चाट बना रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ज़रा मुझे आप दिखाएंगे प्लीज़, चाट को थोड़ा सा आगे करेंगे आप प्लीज़, बहुत खूबसूरत लग रही है जी। तो अभी इसमें क्या, आप इसमें अभी समोसा डालेंगे, अभी आप इसमें समोसा डालेंगे? और यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके सो वेयर इज द समोसा एनीवे? और इट्स ऑलरेडी इनसाइड, सॉरी अबाउट दैट, ओके इट्स ऑलरेडी पुट इट इनसाइड, थैंक यू सो मच। मैं मौजूद हूँ फ्रोजन प्लस के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर हलाल मीट भी मिला करता था एक ज़माने में, अब शायद मैंने ख़त्म कर दिया। और रमज़ान से रिलेटेड यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, और एक सेक्शन इनका ये है, और अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो आप देख सकते हैं कि दूसरा सेक्शन इसका ही है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इनकी शॉप के अंदर जो है माशाल्लाह से उन्होंने फ्रीज़र के अंदर तमाम दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं हलाल प्रोडक्ट्स वो सब मौजूद हैं, और बहुत ही खूबसूरती से शॉप को जो है नहीं सजाया हुआ है। और मैं अब आपको दिखाना शुरू करता हूँ, गालिबन ये फ्रोजन फिश सेक्शन में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो शरबत भी मौजूद हैं। संदल हबीबा, ये नौरस है पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर शरबत, रमज़ानों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। रूहे अफजा, बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रोडक्ट रूहे अफजा काफ़ी तादाद में मौजूद है। गालिबन लोग अभी भी रूहे अफजा को भूले नहीं है। माशाल्लाह, ये कह रही है अभी समोसे ख़त्म हो गए हैं, पकौड़े ख़त्म हो गए हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर से आए हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फिर मैं आपको बता कर आऊँगा, ताकि आप भी तैयार रहें, जिस तरह से हमारी कल बात हुई थी कि आप तैयार नहीं थी कल। काफ़ी सारी मिठाइयाँ इस वक्त तैयार हैं, और माशाल्लाह से मेरी फेवरेट ये है, लेकिन मजबूरी इस वक्त ये है कि मैं इस वक्त एक तो रोज़े से हूँ, और दूसरी बात ये है कि मुझे शुगर भी है, तो रोज़ा खोलने के बावजूद भी मैं ये खा नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है, बिल्कुल लग रहा है कि हम पाकिस्तान के किसी शॉप में घूम रहे हैं। साथ मौजूद हैं महनाज साहिबा, और हम इनसे पूछेंगे कि आइडियल स्वीट के अंदर रमज़ान की क्या तैयारियां हैं, और बहरहाल कस्टमर के हिसाब से रोज़ाना के कितने कस्टमर्स आते हैं, तो प्लीज़ कुछ बताना पसंद करेंगे आप? जी, मेरा नाम महनाज है, मुझे यहाँ पे काम करते हुए एक साल से ऊपर हो गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और तैयारियाँ हमारी खूब है, नज़र आ रहा है मुझे, बिल्कुल मैं देख सकता हूँ।
कि तकरीबन हर चीज तैयार है। हाँ जी। और क्योंकि अभी रमजान बिल्कुल रोजे का वक्त हुआ चाहता है, इसलिए जो है वो लोगों की तादाद अभी कम हो गई है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर हाफ एन आवर पहले आया था तो यहाँ पर बाहर तक बहुत ज्यादा रश था। 7 बजे रश बिल्कुल बिल्कुल 7 बजे रश का टाइम है। थोड़ा सा बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और इंशाल्लाह ताला कभी जिंदगी रही तो फिर रमजान के बाद आएंगे और आपकी मिठाइयाँ भी ट्राई करेंगे। डेली फ्रेश नान के नाम से एक शॉप है और यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश नान तैयार की जाती हैं। वो नान आप देख सकते हैं कि इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हैं। बहरहाल रोज़े में इफ्तार में भी कुछ देर बाकी है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी रश है। मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बाहर से इसकी ज़ियारत करा दी है, तो इंशाल्लाह ताला कभी वक्त मिला तो दोबारा अंदर जाएंगे। और रोज़ा खुलता है यहाँ पर तकरीबन लंदन में 8:16 के ऊपर, तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए इस अल्लाह ताला के बाबरकत महीने में और रमज़ान स्पेशल में। बस इतना ही, इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा अपना नया ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।